हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे। मैं सीधा निकल रही हूँ स्कूल के लिए। कल जो पाव भाजी बनाया था जई, वही मैं आज लेके जा रही हूँ टिफिन में। तो अच्छा है कि मुझे कुछ बनाना नहीं था, बट निकलने के लिए लेट हो गया, उठ नहीं पाई, बहुत नींद आ रही थी। 9:31 हो चुका है और अभी मैं निकल रही हूँ। फटाफट भी भागूंगी, सीधा स्कूल में मिलूंगी। ऑन टाइम पहुंच चुकी हूँ स्कूल में, और घर से निकलते वक्त ही मामा ने मुझे फटाफट बीट का जूस पिलाया, तो मैंने फटाफट पी लिया और मैं स्कूल आ गई हूँ। अभी काम करूँगी, मिलूंगी आपको सीधा घर जाने के टाइम। स्कूल से सीधा गई मंदिर, आज मंगलवार था तो बहुत मन था मंदिर नजर आ रहा था। तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, आप देख सकते हो, नहीं मिलता है मंगलवार को। अच्छे से दर्शन हुए मेरे, अभी आगे तो अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, फिर मैंने कुछ लिया नहीं, बट जो भी हो सका उतना मैं आप लोग के लिए, कि आप लोग को भी दर्शन का लाभ मिले। मंगलवार को बहुत अच्छा लगता है मंदिर, बोल भी आता है तो दर्शन होता है, तो मंदिर में घर ही आ रहा है, अच्छे गणपति के दर्शन। मंदिर से मैं वापस घर आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, लेंस निकाल के आ गई हूँ चश्मा पे, और डिनर अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी, तो फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। तो नॉर्मल खट्टी मीठी आलू की सब्जी रस्से वाली, जो हम लोग गुजराती घर में बनता है, और उसके साथ मसाला थेपला और थोड़ा सा छीला भी बनाऊँगी। तो चलो फटाफट किचन में जाते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे ऑयल, ऑयल गर्म होते ही राई, थोड़े से मेथी दाने, कड़ी पत्ता, अच्छे से मिला लेंगे तड़के को। फिर उसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, वापस उसको मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर का थोड़ा कच्चापन जाए। उसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी को मिला लेंगे और थोड़ी देर ढक लेंगे। ढकने के बाद उसमें अभी सब मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, ये है मैगी का मैजिक मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद थोड़ा सा डालेंगे पानी, तो जो भी मसाला रह गया वो अच्छे से कुक हो जाएगा और ये थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी में रहेगा। फिर डालूंगी धनिया, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि इसका फ्लेवर आ जाए धनिया का। और फिर ऐड किया कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, और मिला लेंगे थोड़ी सी शक्कर, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो, और आप ये स्टेज पर शक्कर और गुड़ अवॉइड कर सकते हो। तो ये मेरा ग्रेवी रेडी। अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटो और उसको अच्छे से पूरा मसाले के साथ कोट कर देंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, वापस मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा स्मैश भी करना है इसको। और फिर ऐड करेंगे वाटर, ताकि एंड में ही ऐड करना है, तो अच्छे से प्रॉपर सब्जी का कंसिस्टेंसी हो जाएगा। और फिर मैंने लाल मिर्च ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ा कलर और लगा, और धनिया से मेरा रेडी है सब्जी, एकदम टेस्टी। और इसमें है मेरा थेपला, जो मैंने जो बासी ने ऑलरेडी बना दिया था, तो ये सब्जी के साथ खाएंगे थेपला, और इसमें गुड़ भी अच्छा लगता है तो साइड में। और मेरे खाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया स्प्राउट्स, इसको मैं क्रश कर रही हूँ मिक्सी में, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट, और इसको मैं ऐड करूँगी चिल्ले के जो बैटर था मेरा बेसन का, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटीन मिले। और इसमें ऐड किया नमक, प्याज, बहुत सारा धनिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड किया है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, वापस मिला लेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली मिक्स, और फिर एक पैन लेंगे, उसमें हम इसका चीला बनाएंगे, जैसे हम डोसे की तरह बनाते हैं वैसे। इसमें आप और भी सब्जियां डाल सकते हो, बट ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और इसको विदाउट ऑयल में सेक लूँगी। तो रेडी है मेरा चीला। आज का दिन मैं यहीं समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस, मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गया, तो अगर आपको वॉइस ओवर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ बेयर इट।
जल्दी मैं ठीक करूँगा, वैसे भी मुझे बेटर लग रहा है। मिलूँगी आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखें, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जो वही देश री जानी।